अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बूस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है गैस पोस्टिंग, यानी कि गैस पोस्ट के ज़रिए हम लिंक बिल्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं, और ये ऑफ पेज SEO का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अंदर दो तरीके की गैस पोस्ट होती है, एक तो पेड गैस पोस्ट होती है और एक होती है फ्री गैस पोस्ट। और ये हम इसको काफ़ी हिस्सों में हम ये वीडियो बनाएंगे गैस पोस्ट के हवाले से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और इसको हम जब फेसेस में बनाएंगे तो आपकी समझ में भी आसानी से आएगा और आप इसको फॉलो भी आसानी से कर सकेंगे और इम्प्लीमेंट भी आसानी से कर सकेंगे। तो ये हमारी ऑफ पेज हमारी SEO की हमारी 10वीं वीडियो है, जिसके नाम हम गैस पोस्ट के हवाले से पढ़ रहे हैं या आपको सिखा रहे हैं गैस पोस्ट होता क्या है और उसको करते किस तरीके से हैं। तो आइए चलें देखते हैं। गैस पोस्ट जो है, व्हाट इज़ गैस पोस्ट, यानी कि गैस पोस्ट होता क्या है, गैस पोस्ट के फ़ायदे क्या हैं। गैस पोस्ट जो मतलब है इसका कि आप किसी की वेबसाइट पे एज अ गेस्ट अपना आर्टिकल पब्लिश कराते हैं, उसको कहते हैं गैस पोस्ट। अब कोई आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर आपका आर्टिकल क्यों पब्लिश करेगा, तो कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट होती है तो वो अपने आर्टिकल्स तो लिख नहीं सकती, तो वो आपके भी गैस पोस्ट लेती है। उसके लिए कुछ वेबसाइट्स पेड लेती हैं, यानी कुछ चार्जेस लेती हैं और कुछ चार्जेस नहीं लेती। जो फ्री गैस पोस्ट होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता, और जो पेड गैस पोस्ट होता है उसके अंदर आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलता है, और अगर वो अपने अच्छी वेबसाइट के ऊपर अपना गैस पोस्ट आर्टिकल पब्लिश करवाया है पेड पेमेंट करके, तो वो गूगल की नज़र में बहुत अच्छा होता है और उससे आपका कीवर्ड भी रैंक करता है, आपकी वेबसाइट भी रैंक करती है और आपका ट्रैफिक भी जनरेट होता है। ये था गैस पोस्ट का फ़ायदा। और गैस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, गैस पोस्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर अपनी गैस पोस्ट पब्लिश करवा रहे हैं तो आप उसके अंदर लाजमी देखें कि उसका DA यानी डोमेन अथॉरिटी 25+ होनी चाहिए, डोमेन रेटिंग DR यानी वो भी 25+ होनी चाहिए, और ट्रैफिक जो है वो 1000+ होना चाहिए। गैस पोस्ट के अंदर एक चीज़ और वाज है, जैसे कि आप A वेबसाइट है और दूसरी B वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने पोस्ट अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है, तो उसकी आपने इन दोनों की यानी कि A वेबसाइट अपनी वेबसाइट का लिंक आपने B की वेबसाइट पर देना है, तो ये आपकी लिंक बिल्डिंग इस तरीके से जनरेट होगी और डू फॉलो बैकलिंक आपको मिलेगा, और उसकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा होगा वो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आना जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम इतनी ही बनाएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बाकी इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बूस्टर्स। अल्लाह हाफिज़।